जय श्रीमन्नारायण। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आप इस वीडियो में जानेंगे दीपावली के महापर्व के बारे में। इस बार दीपावली कब मनाई जाएगी, किस दिन मनाई जाएगी और लक्ष्मी पूजन का क्या समय रहेगा, और इसके साथ साथ आप यह भी जानेंगे कि धनतेरस से लेकर के दीपावली तक का पूरा शेड्यूल के बारे में। आप इस वीडियो में जानेंगे किस दिन धनतेरस है, छोटी दीपावली कब मनाई जाएगी, बड़ी दीपावली कब मनाई जाएगी, गोवर्धन पूजा का क्या समय रहेगा, किस दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी और भाई दूज कब मनाई जाएगी, तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दीपावली की डेट को लेकर के इस बार लोगों के बीच में भारी कन्फ्यूजन बनी हुई है। दीपावली ऐसा त्यौहार है जिसका सभी को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। दीपावली पूरे 5 दिन का उत्सव है जो कि धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक मनाया जाता है। अगर इस बार बड़ी दीपावली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर के लोगों के बीच में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। काफी सारे प्रसिद्ध पंचांगों में जैसे कि ऋषिकेश पंचांग, मिथिलापुरी पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार और कई तरह के पंचांगों में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को सर्वसम्मत रूप से बनाया जाना चाहिए। आइए इस संबंध में हम आपको विस्तार से बतलाते हैं कि दीपावली की तिथि कब से कब तक है, और साथ ही देखते हैं दीपावली का पूरे 5 दिन का कैलेंडर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस 2024 में कब है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर वर्ष 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सोने चांदी के आभूषण और नए बर्तन खरीदने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर घर में नई झाड़ू और धनिया लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के पूरे साल धन समृद्धि बढ़ाती है और कृपा अपनी बरसाती है। इस दिन बहुत से लोग अपने घर में रोजाना के प्रयोग की नई इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी लाते हैं। मित्रों अब बात करते हैं छोटी दीपावली, हनुमान जयंती और बात करते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। चतुर्दशी कब है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। छोटी दीपावली इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है, साथ ही इसे रूप चौदस और छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम का दीपक भी जलाया जाता है, साथ ही इस दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना और चोला चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि बड़ी दीपावली कब है, जिस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन इत्यादि करना है। दीपावली इस साल 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। सभी पंचांगों में दी गई जानकारी के अनुसार दीपावली का पर्व सर्वसम्मत रूप से 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए। दर्शन दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दीपावली की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:52 पर शुरू होकर के 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक रहेगी, यानी कि 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली बनाना तर्कसंगत होगा।
31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निशित काल की पूजा की जाएगी। मध्यरात्रि की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्वमान्य होगा। जबकि अमावस्या से जुड़े दान पुण्य के कार्य और पितृकर्म आदि 1 नवंबर को सुबह के वक्त करना उचित रहेगा। तो आपको लक्ष्मी माता का पूजन 31 अक्टूबर वर्ष 2024 को करना ही मान्य रहेगा। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त रहेगा आपका शाम को 6:45 से लेकर के 8:30 तक। आपको लक्ष्मी पूजन की कुल अवधि 1 घंटे 45 मिनट के लिए मिलेगी और प्रदोष काल का समय रहेगा आपका शाम को 5:48 से लेकर के 8:31 तक। और आपको स्त्री लग्न में लक्ष्मी माता जी का पूजन करना है और सभी को वैसे देखा जाए तो लक्ष्मी माता का पूजन स्त्री लग्न में करना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी माता हमारे घर पर स्त्री बनी रहे। तो आपकी जो स्त्री लग्न है वृषभ लग्न, वो आपकी शाम को 6:35 से लेकर के 8:33 तक रहेगी। तो आप इस समय के अंतराल माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। और मध्यरात्रि निश्चित काल पूजा का समय रहेगा रात्रि में 11:39 से लेकर के 12:31 तक। आप इस निश्चित काल में कोई भी तंत्र मंत्र की सिद्धि इत्यादि कर सकते हैं। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की, अन्नकूट कब रहेगा। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन होती है, इसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को की जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा करके सभी ब्रजवासियों को भीषण वर्षा से रक्षा की थी। तब से इस पर्व को गोवर्धन पूजा के रूप में हर साल मनाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। और भाई दूज कब है। भाई दूज दीपावली के महाउत्सव का आखिरी दिन होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल वर्ष 2024 में भाई दूज 3 नवंबर को मनाई जाएगी। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन यमराज की बहन यमुना ने अपने भाई को सबसे पहले तिलक किया था, तभी से हर साल इस शुभ मौके पर बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको पूरे 5 दिन का पूरा विवरण आपको विस्तार से बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो आप सभी को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी के ऊपर निरंतर बनी रहे, बरसते रहे, यही हमारी लक्ष्मी माता से प्रार्थना है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण।